एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई हमारे चैनल देसीबुक की तरफ से। और आई होप ये नया साल ना मेरे और आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। तो फ्रेंड्स, इसी नए साल के साथ ना शुरुआत करते हैं अपने 2022 की पहली एक्सप्लेनेशन। और साथ ही फ्रेंड्स, जिन्हें भी कहानियाँ सुनना पसंद है उन सभी के लिए मैं पेश कर रही हूँ आप सब के लिए एक कमाल का चैनल, जहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब चैनल कहानीकार सुधांशु राय के बारे में, जिन्होंने अपने कहानियों से कई लोगों के दिल तो पहले से ही जीत रखा है। और वे अब लॉन्च करने जा रहे अपनी पहली वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमराह, जो कि रिलीज होने वाली 21 जनवरी 2022 को। तो फ्रेंड्स, आप उसे देखना बिल्कुल न भूलें। साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरुआत करते हैं अब अपनी आज की सीरीज फ्लैश सीजन 5 के एपिसोड नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन, जिसकी शुरुआत ईयर 2049 में वहीं से होती है जब नोरा पास्ट से यहाँ फ्यूचर में पहुँचती है। और हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि दरअसल नोरा और रिवर्स फ्लैश यानी कि एबॉट थॉन दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। और एबॉट थॉन के कहने पर ही नोरा पास्ट में अपने पेरेंट्स से मिलने गई थी। अब आगे यहाँ नोरा आते ही एबॉट को बोलती है, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। आपने क्यों नहीं बताया कि आप ही ने मेरी नानी की जान ली थी? आप कातिल हो। जवाब में एबॉट थॉन बोलता है, मुझे क्या पता कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे ये सब अभी तक नहीं बताया है। और नोरा, ये बात कभी मत भूलना कि मैंने ही तुम्हें टाइम ट्रेवल करना सिखाया है, जिससे कि आज तुम अपने पेरेंट्स से मिल पाई हो और उन्हीं के साथ रह भी रही हो। अब ये सुन नोरा और भी झल्ला जाती है और फिर एबॉट के साथ काम करने से मना कर वापस से पास्ट में लौट जाती है। अब आगे हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी सिकेडा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उसे कैसे पकड़ा जाए। बीते दिन भागने के बाद वो अभी तक कहाँ है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तभी यहाँ नोरा आकर बैरी को उसका ड्रेस ब्लू सूट देते हुए बोलती है, आज इन्हें कोर्ट हाउस जाना है जोस यानी कि वेदर विच के केस के सिलसिले में। जिसके बाद अब बैरी, नोरा और आइरिस कोर्ट हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद कैटलिन सिस्को के घाव में फंसे कुछ आखिरी सिकेडा के डैगर के पार्टिकल को निकालने के लिए उसे लैब में ले जाती है। तब यहाँ पर सभी के जाते हम सैरलॉक को देखते हैं, जो कि सबसे छिपकर अभी भी उस साइन लैंग्वेज की छानबीन में लगा होता है जो कि इसने नोरा की डायरी में देखा था। अब आगे हमें कोर्ट हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पर सेसिल जोस के खिलाफ सारे सबूत और बयान सबके सामने पेश कर रही होती है। तब यहाँ सेसिल ऐसा फील करती है कि जैसे जोस कुछ तो कहना चाहती है पर वो कह नहीं पा रही है। तो इधर अब स्टारलैब में कैटलिन जब सिस्को के घाव से पार्टिकल निकाल कर उसे भर देती है, सिस्को कैटलिन को बताता है, पता है पिछले कई दिनों से बिना पावर के एक साधारण जिंदगी जीने में ना मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो दूसरी तरफ हमें एक ब्लैक ड्रेस पहनी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ़ोन पर आज की हेडलाइन वेदर विच वाली वीडियो देख रही होती है। और फिर अपने जेब से एक कार की चाबी निकालती है, जिस पर कि इनलाइटमेंट डिवाइस का टूटा हुआ एक टुकड़ा चिपका पड़ा होता है। यानी कि ये चाबी एक मेटा टैग थी, जिससे कि ये लड़की सड़क पर खड़ी लैम्बोर्गिनी कार को लेकर यहाँ से भाग निकलती है। तभी इस बात की खबर बैरी को भी मिलती है, जिसे देख बैरी फौरन नोरा के साथ कोर्ट हाउस से निकलता है, ये बोलकर कि 30 मिनट में बैरी वापस से कोर्ट हाउस लौट आएगा। अब जैसे ही यहाँ फ्लैश इस कार के नज़दीक पहुंचकर इसे टच करता है, अचानक से उसे एक तेज झटका लगती है, जिससे कि फ्लैश दूर जाकर गिरता है और ये लड़की हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। वहीं जब एक्सेस फ्लैश के पास पहुँचती है तो वो देखती है फ्लैश का हाथ लगातार वाइब्रेट किए जा रहा है, जिसे चाहकर भी फ्लैश रोक नहीं पा रहा है, जिसे लेकर अब एक्सेस किसी तरीके से स्टार लैब पहुंचती है। अब बैरी की ये कंडीशन देख सिस्को फौरन इसे पाइपलाइन वाली सेल में डाल देता है, क्योंकि सिस्को के अनुसार पाइपलाइन वाली सेल एक ऐसी जगह थी जो कि बैरी के पावर को ब्लॉक करके उसे रोक सकती थी। अब जैसे यहाँ बैरी सेल में पहुँचता है, उसके हाथ वाइब्रेट करना बंद हो जाती है, जहां पूरी तरीके से बैरी के बॉडी को चेकअप कर यहां सिस्को बताता है कि बैरी के शरीर का डार्क मैटर उस गाड़ी में मौजूद एक और डार्क मैटर के कांटेक्ट में एक साथ आने पर अनस्टेबल हो गया है। यानी कि उस गाड़ी में कोई और मेटा ह्यूमन भी था या फिर उसके पास कोई गाड़ी को कंट्रोल करने वाली मेटा टेक भी, जो भी हो। पर बैरी को वापस से नॉर्मल होने में पूरे 24 घंटे लगेंगे, इसलिए बैरी को कल तक यूं ही पाइपलाइन में रहना पड़ेगा। अब ये सुन सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगले 5 मिनट में बैरी को वापस से कोर्ट हाउस पहुंचना था। तभी नोरा यहाँ बैरी की जगह कोर्ट हाउस में जाने का मन बनाती है, क्योंकि ये भी तो एक CSI ही थी। जिसके जाने के बाद अब हम सिस्को को देखते हैं, जो कि अपने घाव को डिटेल में अपने PC पर स्कैन कर रहा होता है। तभी यहाँ कैटलिन भी आती है जिसे देख सिस्को बताता है सिकेडा के डैगर सिर्फ इसकी पावर ही नहीं ब्लॉक कर रही थी बल्कि वो सिस्को के अंदर मौजूद डार्क मैटर को पूरी तरीके से खत्म कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर सिकेडा का डैगर मिल जाए तो उसको सीरम में कन्वर्ट कर उसे मेटा ह्यूमन क्यूर बनाया जा सकता है। तो इधर अब वापस हमें कोर्ट हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पर चूंकि सारे सबूत ही जो उसके खिलाफ थी उसे जेल हो जाती है एयरपोर्ट पर मेटाटेक से हमला करने के लिए। तब जोस भी यहाँ चुपचाप अपनी सज़ा एक्सेप्ट कर लेती है जिसके बाद जब जोस को आयरन हाइट के लिए ले जाया जा रहा होता है तभी यहाँ पर वापस वही लड़की आ जाती है जिसने कि कुछ देर पहले लैम्बोर्गिनी चुराई थी। वो आते ही अपने मेटाटेक से पुलिस के गाड़ी को कंट्रोल कर इसके गेट को लॉक कर देती है ताकि कोई ऑफिसर बाहर ना निकल पाए और फिर जाकर खुद जोस को अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं अब आगे सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज से ये सारा इंसिडेंट आयरिस सभी को स्टार लैब में दिखाती है जहां ये देखते हैं इस लड़की के पास एक चाबी जैसी मेटाटेक है और इस ऑफिसर को देखकर वो सैल्यूट क्यों मार रही है। तब ये लोग ये दिमाग लगाते हैं कहीं ये लड़की मिलिट्री से तो नहीं है ना, जिसके बाद सिस्को फौरन ने डीओडी के डाटाबेस से इस लड़की की फेस को रिकॉग्नाइज करता है जहां पर इस लड़की का चेहरा मैच करता है रया वैन ज़ांट से जो कि पहले एक फॉर्मर एयरफोर्स एक पायलट मैकेनिक थी जिसने कि 2 महीने पहले अपनी ये सारी चीज़ें अचानक से छोड़ दी, जिसे सुन अब नोरा यहाँ बोलती ये पक्का जोस की पार्टनर होगी तभी तो उसे अपने साथ ले गई है। जिस पर आयरिस नोरा को बताती है बिना सबूत हम किसी पर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम जोस को देखते हैं जो कि सच में रया को पहले से नहीं जानती थी और वो रया से पूछती है आखिर रया ने जोस को यहाँ क्यों लाया है। जवाब में रया बताती है मेरे पास मेरी एक कमाल की चीज़ है, तुम्हारे पास भी है ना वेदर विच, क्यों ना हम दोनों पार्टनर बन जाए। देखो मेरी जान बात बस सीधा सा ये है कि मुझे एक कमाल की कार पसंद आई है जो कि इस वक्त आर्गस में है यानी कि पूरी टाइट सिक्योरिटी के अंदर, जहां पता करने पर मुझे पता चला है कि आर्गस के सिक्योरिटी सिस्टम को खोलने में तुम्हारी वेदर कंट्रोल वाली डिवाइस मेरे बहुत काम आने वाली है। जवाब में जोस बोलती है पहली बात मेरी मेटाटेक इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और दूसरी मैं क्रिमिनल नहीं हूँ ना ही मुझे बनने का शौक है, मुझे वापस जाना है इसलिए मुझे वापस जाने दो। जिस पर अब रया जोस को बोलती है पता है ये दुनिया बहुत कमीनी है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने जो एयरपोर्ट पर तबाही मचाई थी लोग उसे इतनी आसानी से भूलकर तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और तो और मैंने सुना है तुम्हारे पिता मार्क मार्टन भी पहले एक क्रिमिनल ही थे, तब तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि लोग तुम्हें ये पक्का एक दिन बोलेंगे कि जैसा बाप वैसी ही बेटी होगी ना, वो थोड़ा ना कुछ अलग होगी। पर ये टोटली तुम्हारे ऊपर है जोस कि तुम मेरे साथ रहना चाहो या ना चाहो, तुम आज़ाद हो, तुम जा सकती हो, जब मन बदल जाए ना तो वापस यहाँ ज़रूर आ सकती हो, तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ का दरवाज़ा खुला है। जिससे सुन अब जोस यहाँ से चली जाती है। तो ये अब आगे हमें स्टार लैब के पाइपलाइन में दिखाया जाता है जहाँ पर सरलोक बैरी के लिए खाना लेकर आता है और इससे उसी साइन लैंग्वेज के बारे में पूछता है जो कि बैरी जब स्पीड फोर्स से बाहर आया था सीजन 4 में उस वक्त लिखा करता था, जिसके बारे में अच्छी तरीके से अब तक बैरी को भी मालूम नहीं चल सका था, इसलिए बैरी सरलोक को बताता है शायद इस लैंग्वेज के बारे में गिडियन को कुछ मालूम होगा, हमने कभी इस पर इतना गौर नहीं किया। जिसे सुन सरलोक यहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर स्टार लैब में सायरन की आवाज़ आने लगती है जिसे देख नोरा बोलती है कि यह पक्का जोस का ही काम होगा। अब जैसे यहाँ नोरा इस लोकेशन पर पहुँचती है इसके सामने जोस ही होती है जिसे देखकर नोरा बोलती है तुम अकेली हो, तुम्हारी पार्टनर नहीं दिख रही है। जवाब में जोस बोलती है वो रया को नहीं जानती है, अगर एक्सेस चाहे तो वो रया के ठिकाने का पता बता सकती है। अब आगे हमें सीसीटीवी में दिखाया जाता है जहाँ पर नोरा बिना जोस की पूरी बात सुने उसे सीसीटीवी में लाके लॉक करवा देती है। तब ये सब आयरिस भी देख रही होती है और नोरा का इतना हार्ड बिहेवियर देख आयरिस स्टार लैब में आराम से नोरा के पास आकर बताती है मैंने हर तरीके से पता कर लिया है, रया और जोस का कहीं से एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। पता है नोरा, कभी कभी हमें ज़िंदगी में ना अपने सामने वाले शख्स को सेकंड चांस जरूर देना चाहिए, क्या पता वो दूसरी बार सही हो। वहीं अब आगे में वापस से सीसीटीवी में दिखाया जाता है जहां पर रया आकर जोस की मेटाटेक चुराकर वापस से जोस को देकर उसे जेल से आज़ाद कर देती है। चूँकि जोस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था वो रया का साथ देने को तैयार हो जाती है और फिर रया के साथ आर्गस पहुंच अपने वेदर कंट्रोल डिवाइस से सिक्योरिटी को अनलॉक कर देती है। जिसके बाद अब ये दोनों आर्गस में मौजूद महंगी कार को चुराकर यहाँ से भाग निकलते हैं, जिसकी खबर अब जैसे ही सबको स्टार लैब में मिलती है एक्सेस किलर फर्स्ट के साथ इन्हें रोकने के लिए निकल पड़ती है। पर रया यहाँ कार को कंट्रोल करते हुए इसमें मौजूद टेक से एक्सेस पर हमला करने लगती है, जिससे कि अब मिलकर भी एक्सेस और किलर फर्स्ट भी नहीं रोक पाती है। कि तभी यहाँ एक्सेस फौरन ही सिस्को को रेडियो कनेक्शन कार के अंदर से कनेक्ट करने बोलती है और फिर कनेक्ट होते ही एक्सेस जोश से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो, तुम अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी ना, अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो इधर हम रया को देखते हैं जो कि जोश को एक्सेस की बातों में आते देख कार को इंडिविजुअल मोड में डालकर एक्सेस का एक्सीडेंट करने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर जोश अपने मेटा टेक की मदद से वेदर को कंट्रोल कर सड़क पर बर्फ बना देती है, जिससे कि इनकी कार अब एक्सेस को ठोकने के बजाय दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है। अब यहाँ एक्सेस इनकी कार को देख पाती, तब तक रया जोश दोनों ही यहाँ से भाग निकलती है क्योंकि जोश बुरा बनना नहीं चाहती थी, पर चूंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था वो एक्सेस की जान बचाकर रया के साथ ही चली जाती है। जिसके बाद नोरा और कैथलीन भी दोनों वापस से स्टार लैब आ जाती है और यहाँ तब तक बैरी के भी अब पूरे 24 घंटे पूरे हो चुके थे, जिसके बाद बैरी भी सेल से बाहर आ जाता है बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल बनकर। तो इधर अब हम सिस्को को देखते हैं जो कि सिकेडा के डैगर वाली पार्टिकल से सीरम तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी यहाँ किलर फ्रोस्ट आकर मजाक मजाक में इस पार्टिकल वाले कंटेनर को तोड़ देती है, जिसे देखकर सिस्को काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि सिस्को ये दिल से चाहता था कि वो मेटा ह्यूमन क्योर बनाए, क्योंकि सिस्को को अपनी पावर्स नहीं चाहिए थी, उसे एक साधारण जिंदगी चाहिए थी। आगे अब कैथलीन सिस्को से माफ़ी मांगते हुए उसे अपने डैड के उसी पुराने लैब में लेकर आती है जहाँ पर थॉमस यानी कि कैथलीन के पिता ने मेटा जेन पर रिसर्च की थी खुद के इलाज के लिए। कैथलीन सिस्को को बताती है शायद यहाँ पर सिस्को को वो सारी चीज़ें मिल सकती है जिससे कि शायद मेटा ह्यूमन क्योर्स का सीरम बनाया जा सके। वहीं अब आगे की सीन में हमें फ्यूचर का वर्क 2049 में अबाउट थॉर्न को दिखाया जाता है, जिससे मिलने की वापस से नोरा आती है और इससे बोलती है, तुम पर अब पहले जैसा भरोसा तो नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक सेकेंड चांस जरूर दूंगी। जवाब में अबाउट थॉर्न नोरा को थैंक्स बोलते हुए सामने लगी टाइमर को दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास सिर्फ 51 घंटा 54 मिनट है। जिस पर नोरा बोलती है, तो अब आगे मुझे क्या करना है। और ये सीन कट होकर अब हमें एपिसोड के आखिर में सैरलो को दिखाया जाता है जो कि टाइम वोल्ट वाले रूम में जाकर गिडियन से नोरा की फाइल्स बताने बोलता है। जवाब में गिडियन बताती है नोरा की कोई भी फाइल्स यहाँ सेव नहीं है, वो सारी चीज़ें डिलीट कर चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आप हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।